हॉकी स्टार्स का मतलब क्या है कि रेट्स को जो है बढ़ा देना, जो पॉलिसी रेट्स है यानी कि रेपो रेट बढ़ा देना। इसका मेन एम क्या है कि इन्फ्लेशन को पूरा कंट्रोल में रखना, मार्केट से पूरा लिक्विडिटी अब्सॉर्ब कर दो। इसे जो है कहा जाता है हॉकी स्टांस। हॉकी स्टांस में क्या देखने को मिलता है कि रेट्स बढ़ा दिया जाता है, रेट्स आर हाई, एंड हम लोग को पता है कि रेपो रेट अगर हाई हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट से जो लिक्विडिटी है वो क्या है कम हो जाएगा, क्योंकि रेपो रेट बढ़ जाएगा तो ये जो है बैंक्स को डिस्करेज करेगा, ठीक है, कि लोन लेने से बैंक्स लोन लेना नहीं चाहेगा, एंड ऊपर से जो कंज्यूमर के लिए क्या होगा, लोन का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, एंड लोन का इंटरेस्ट बढ़ गया तो हम लोग भी लोन लेना नहीं चाहेंगे, एंड अगर लोन अगर लेंगे भी तो हम लोग के हाथ से पैसा ज्यादा निकलेगा, हम लोग हाथ में पैसा नहीं रहेगा, डिपॉजिट में जो है इंटरेस्ट कम आएगा। तो ये हमें देखने को मिलेगा हॉकिश। डविश का मतलब क्या है, डब ये दोनों जो है वो बर्ड के नाम से आए हैं, ये हॉक बर्ड ये डब बर्ड, ठीक है। डविश स्टांस का मतलब क्या है, रेट्स आर लोअर, रेट्स आर लोअर। ये कब इस्तेमाल करते हैं कोई बता पाएगा, कब इस्तेमाल करता है? यूजुअली से इस्तेमाल नहीं किया जाता, बट अगर मान लो कभी भी कोई पॉलिसी मेकर इसे यूज कर रहा है, मान लो आरबीआई अगर यूज कर रहा है तो उस समय इकोनॉमी किस हाल में होगा, तब इसे इस्तेमाल करेगा, रिसेशन, जब रिसेशन चलेगा, ठीक है, तब इस्तेमाल करेगा। रिसेशन का मतलब क्या है, मंदी, ठीक है, कोई डिमांड नहीं है। अब डिमांड बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए हाथ में, हाथ में पैसा रहेगा तभी तो डिमांड बढ़ेगा, हाथ में पैसा रहेगा तभी तो बिरयानी खाओगे, ठीक है। तो वही तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, डविश। जैसे 2008 के टाइम पे वो मनमोहन सिंह जी ने बाहर से बोरो किया था पैसा, ठीक है, कि जो इकोनॉमी है उसको जो है उसमें लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस समय रिसेशन चल रहा था। फिर COVID-19 के टाइम पे भी क्या किया गया, बाहर से पैसा बोरो किया गया COVID-19 के टाइम पे। तो ये डविश नाम्स का एक जो है खराब इफेक्ट में क्या देखने को मिलता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसका कॉन्स क्या है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है, फिस्कल डेफिसिट इंक्रीजेस। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इनकम से, उसे जो हम लोग कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। देन लास्टली आते हैं न्यूट्रल स्टांस में। न्यूट्रल स्टांस का मतलब क्या है कि जो पॉलिसी मेकर है ना तो वो रेट्स हाई करेगा एंड ना ही जो है वो मनी फ्लो के ऊपर कुछ ध्यान देगा, जैसा चल रहा है वैसे चलेगा, ठीक है। तो रेट्स आर नॉट इंक्रीज, रेट्स आर नॉट इंक्रीज प्लस मनी फ्लो रिमेंस द सेम, मनी फ्लो रिमेंस द सेम। बट अभी क्या है कि जो इन्फ्लेशन है वो आरबीआई का टारगेट से ऊपर है। आरबीआई का टारगेट क्या है, मिनिमम 4% आना चाहिए, 4% प्लस माइनस 2%, वो चाहते हैं कि 4% आ जाए, ठीक है, वही उसका आइडियल है। तो अभी क्या उससे ज्यादा है, तो 4% लाने के लिए वो अभी क्या कर रहा है, विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टांस उसको अपना रहा है, लास्ट एक साल से उसी को अपना रहा है। अब इसके अब तुम बोलोगे कि सर ये तो फरवरी 2023 से तो यही स्टांस अपना रहा है, तो फिर कम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बीच में क्या है बहुत सारे इकोनॉमिक शॉक्स हमें देखने को मिल रहा है। जैसे सबसे पहले तो COVID-19 से थोड़ा बहुत जो है वो निकल के आया था इंडियन इकोनॉमी, तो आ गया रशिया यूक्रेन वॉर आ गया, उसके बाद उससे भी थोड़ा बहुत निकल के आया था इजराइल पैलेस्टीन आ गया, फिर अभी तो ये सब जो प्रॉब्लम जो है इसके वजह से जो है हम लोग का इकोनॉमी को इफेक्ट होता है। फिर भी ग्लोबली अगर बात करें, अगर ग्लोबल लेवल पे देखें, इंडिया जो है ग्लोबल लेवल से बहुत आगे है, ठीक है, इंडिया का कंडीशन ग्लोबली जो दूसरे कंट्रीज है, तो देखो कि यूके यूएसए उन लोगों का जीडीपी ग्रोथ नहीं है, 3-3.5% के आसपास उन लोगों का जीडीपी ग्रोथ है, जहां पे इंडिया में 7% के आसपास है, ठीक है। अच्छा, जब जीडीपी के बारे में बात की तो यहाँ पे जीडीपी का प्रोजेक्शन भी आरबीआई की तरफ से देखने को मिला, कितना प्रोजेक्शन 7%, ठीक है, जो क्या है एनएसओ का प्रोजेक्शन से 0.3% कम है। एनएसओ ने ये कहा था, ठीक है, देखो इस साल जो है बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे नहीं निकला, इस बार क्या निकला, रिपोर्ट निकला फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, एक रिपोर्ट निकला, उसमें ये देखने को मिला, उसके जस्ट पहले जो है एनएसओ की तरफ से ये डेटा आया था
कि हम लोग का इस साल का जो जीडीपी जो प्रोजेक्शन है वो कितना रहेगा 7.3%। ठीक है, इस साल जो जीडीपी प्रोजेक्शन रहेगा 7.3%, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एनएसओ का प्रोजेक्शन कितना था। ठीक है, एनएसओ का फुल फॉर्म क्या है? ऑफिस। ठीक है, तो अब आरबीआई का प्रोजेक्शन क्या रहा है? 7%। ठीक है, 7% जीडीपी प्रोजेक्शन रहा है। एंड ये जीडीपी प्रोजेक्शन के बारे में जैसी बात की आरबीआई, तो आरबीआई ने ये भी कहा कि हम लोग का जो कंजम्पशन रेट है वो जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, रूरल कंजम्पशन रेट बढ़ रहा है, क्योंकि अभी हमारे इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या था कि कंजम्पशन कम हो रहा था, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था। ठीक है, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, तो अभी आरबीआई ये कह रहा है कि नहीं, हम लोग का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। देखो, कंजम्पशन बढ़ रहा है यानी कि अगर मान लो हम लोग अगर ज्यादा अगर सामान खरीदे, अब हम लोग क्यों सामान नहीं खरीद रहे, कोई बता सकता है? हाँ बोलो बोलो। इन्फ्लेशन की वजह से, जीडीपी और इन्फ्लेशन इंटर रिलेटेड है। इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा तो जीडीपी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हम लोग क्या है, महंगाई की वजह से हम लोग सामान खरीदना बंद कर देंगे, एंड सामान खरीदना बंद कर देंगे तो सामान का डिमांड नहीं रहेगा मार्केट में, डिमांड नहीं रहेगा तो सामान प्रोड्यूस भी नहीं होगा। एंड जीडीपी का मतलब ही तो वही है कि जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसका फाइनल प्राइस, उसे जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है ये बोल रहा है कि हम लोग का जो रूरल कंजम्पशन है वो भी बढ़ रहा है, रूरल कंजम्पशन वो भी इंक्रीज हो रहा है अल्टीमेटली। अच्छा, कैपेक्स या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? बहुत जगह तुमको देखने को मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार की तरफ से एलोकेट किया गया है? हाँ बोलो, 11.11 लाख करोड़। ठीक है, 11.11 लाख करोड़ का। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? एसेट क्रिएशन। ठीक है, एसेट क्रिएशन। बात करें अगर हम लोग का बजट के बारे में, तो उसमें हम लोग का जो एक्सपेंडिचर होता है, मैंने उसे बताया भी था, एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहीं पे भी अगर तुमको रेवेन्यू दिखे, रेवेन्यू का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो सैलरी दे रहा है सरकार, पेंशन दे रहा है, ग्रांट दे रहा है, सब्सिडीज दे रहा है, वो आ जाएगा तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर जैसे एसेट क्रिएशन। ठीक है, एसेट क्रिएशन देखने को मिले। अगर बात करें इनकम या फिर रिसीट के बारे में, तो ये भी जो है दो टाइप के होते हैं, एक रेवेन्यू रिसीट, दूसरा कैपिटल रिसीट। याद रखना बहुत ईजी है, रेवेन्यू कैपिटल दोनों में ही है, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। जो रेवेन्यू रिसीट में क्या आता है, एक टैक्सेबल आता है, एक नॉन टैक्सेबल आता है। ठीक है, टैक्सेबल आता है, नॉन टैक्सेबल आता है। टैक्सेबल में भी दो पार्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, अच्छा मेरे को यह बताओ कि जो यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट है एंड कैपिटल रिसीट में क्या डिफरेंस है? मैंने भी क्या बोला, रेवेन्यू का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म कोई भी चीज, कैपिटल का मतलब क्या? लॉन्ग टर्म बड़े स्केल पे। तो कैपिटल रिसीट का मतलब क्या है? पैसा तो आ रहा है। रिसीट का मतलब क्या है? पैसा आ रहा है। ठीक है, बट वो क्या है? लोन के तौर पे आ रहा है, लोन के तौर पे आ रहा है, या फिर मान लो सरकार के पास कोई एसेट है, ठीक है, उसको बेच के पैसा कमा रहा है, या फिर सरकार डिस इन्वेस्टमेंट कर रहा है सेक्टर्स में, वहां से वो पैसा निकाल रहा है, वो आ जाएगा तुम्हारा कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट भी दो टाइप के होते हैं, एक क्या है? डेट, एक होता है नॉन डेट। डेट कैपिटल रिसीट में क्या आ जाएगा? जो बाहर से जो लोन्स ले रहा है। नॉन डेट में क्या आ जाएगा? एसेट बेच रहा है सरकार। ठीक है, मान लो कोई सेक्टर में सरकार का हिस्सा है, उसको बेच दिया, वहां से पैसा निकाल लिया, तो वो हो जाएगा तुम्हारा नॉन डेट कैपिटल रिसीट। टैक्सेबल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग को पता है, वो इनकम टैक्स, जीएसटी। नॉन टैक्सेबल में एग्जाम्पल डिविडेंड हो गया,
सरकार मान लो किसी को लोन दिया है, वहां से इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट ले रहा है, ये हो गया तुम्हारा नॉन टैक्सेबल, फिर तुम लोग फॉर्म भरते हो एसएससी यूपीएससी, तो उससे भी जो पैसा निकाल रहा है वो हो गया नॉन टैक्सेबल, जो हॉस्पिटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहां से जो पैसा निकाल रहा है वो सब क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल इनकम में आ जाएगा। ये जो है मेन पूरा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, बजट का ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है सरकार का बढ़ रहा है, एंड हम लोग को पता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है सरकार का इनकम उतना नहीं है, बट सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे खर्चा कर रहा है, इसके वजह से क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो अभी जो है वही जो है चिंता का विषय था कि क्या होगा इकोनॉमी के साथ। तो अभी आरबीआई ये कह रहा है कि नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो जैसे बढ़ रहा है ठीक है, उसके साथ साथ हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, तो जीडीपी की तरफ जो है हम लोग का पॉजिटिव अप्रोच है कि जीडीपी जो बढ़ेगा आने वाले समय में उसके तरफ हम लोग का पॉजिटिव अप्रोच है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना ये हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। अभी ऐसा लग रहा है कि डेफिसिट बढ़ जाएगा, सरकार को घाटे में चला जाएगा, बट फ्यूचर के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो, जैसे मान लो हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा, जगह जगह मान लो सरकार फाइनेंशियल आउटले यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा है, जैसे गिफ्ट सिटी को और अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, हम लोग यहाँ पे कंपनीज जो है अपना हब्स ओपन करें, यहाँ से सप्लाई चेन जो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो और अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है डेवलप हो, ताकि बाहर से कंपनीज आए, यहाँ पे रॉ मटेरियल बनाए, यहाँ पे सामान हम लोग तैयार करके बाहर हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हम लोगों का जो एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट ये कम होगा, ये भी एक टर्म आता है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, एंड जो बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यू है वो भी सही हो जाएगा, ठीक है, उसमें आते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जब मैं बोलूंगा यहाँ पे उस समय देखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। अच्छा, लास्ट इसमें ये हो गया, इसको नोट डाउन कर दिए। नॉन डेट में क्या आ जाता है, मान लो सरकार का कोई एसेट है उसको बेचकर पैसा कमा रहा है, रिसीट का मतलब क्या, इनकम, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम, मान लो कोई एसेट बेचकर पैसा कमा रहा है या फिर डिस इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसे जो है हम लोग नॉन डेट कैपिटल रिसीट में हम लोग मानेंगे उसे, एंड डेट मतलब बाहर से जो लोन ले रहा है, ठीक है। अच्छा, हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो बताओ। डायरेक्टली मतलब देखो, डायरेक्टली मतलब क्या, तुम्हारे इनकम से डायरेक्टली सरकार टैक्स निकाल रहा है, ठीक है, जैसे तुम इनकम टैक्स पे कर रहे हो डायरेक्टली पैसा कट रहा है। इनडायरेक्ट मतलब जीएसटी, तुमको पता नहीं है कि सरकार टैक्स ले रहा है, बट तुम्हारे बिहाफ में जो मान लो तुम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तुम जो मान लो जो बिल जो पे कर रहे हो तुमको पता नहीं है कि तुम टैक्स पे कर रहे हो, बट उसमें तुम्हारा जो टैक्स का हिस्सा है वो इंक्लूडेड है, तुम्हारे बिहाफ में कौन पे कर रहा है, वो रेस्टोरेंट का ओनर पे कर रहा है, ठीक है, वो बन गया तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। चलो, हो गया ये लास्ट पेज में आ जाते हैं इसमें। अच्छा, जीडीपी हम लोगों ने देखा, अभी देख लेते हैं इन्फ्लेशन। हाँ, अच्छा, लिख लो यहाँ पे, कुछ लिखा है तो लिख लो, कुछ रह गया हो तो। हम लोगों ने अभी देखा कि रेपो रेट जो अनचेंज रहा है, जीडीपी भी यहाँ पे 7% जो है आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है। अभी हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन में भी क्या रिटेल इन्फ्लेशन देखेंगे, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन कितना इस ईयर के लिए कितना प्रोजेक्ट किया है, 5.4 एंड नेक्स्ट जो फिस्कल ईयर है उसका मिड तक जो है आरबीआई ने कहा है कि हम लोग 4.5 अचीव करेंगे, याद रखना इसलिए अभी क्या है 5.4, नेक्स्ट जो फिस्कल ईयर है उसका बीच तक 4.5 जो है इन्फ्लेशन यहाँ पे जो है आरबीआई ने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है, ठीक है। चलो हो गया ये, इन्फ्लेशन देख लेते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। अच्छा ये जो रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन तुम लोग का हुआ है ना, रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है बताओ, रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, रिटेल का मतलब क्या है, कंज्यूमर जो होते हैं दो होता है, होलसेल इन्फ्लेशन एक रिटेल इन्फ्लेशन। अच्छा रिटेल इन्फ्लेशन किसके हिसाब से हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं बोलो, हाँ सीपीआई, सीपीआई होलसेल इन्फ्लेशन जो हम लोग डब्ल्यूपीआई से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो एक होता है डब्ल्यूपीआई एक होता है सीपीआई, ठीक है। डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, सीपीआई। अच्छा क्यों ये इंपॉर्टेंट बनता है कौन बताएगा, क्यों ये इंपॉर्टेंट बनता है सीपीआई क्यों इंपॉर्टेंट, ये डब्ल्यूपीआई से क्यों हम लोग डब्ल्यूपीआई को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये जो है लास्ट स्टेज को डिनोट करता है, डब्ल्यूपीआई जो है शुरुआत के स्टेज को होलसेल लेवल पे, अब आते आते कंज्यूमर लेवल तक उस प्राइस का जो वो सामान का प्राइस कितना बढ़ा, तो हम लोग फाइनल जो प्राइस जो इंक्रीज हुआ वो हम लोग को कहां पे मिलेगा, सीपीआई में मिलेगा, इसीलिए हम लोग जो है सीपीआई को यहाँ पे जो है ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चेंज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस एट कंज्यूमर लेवल, एट कंज्यूमर और रिटेल लेवल, एंड ये क्या है चेंज इन द प्राइसेस, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एट होलसेल और प्रोड्यूसर लेवल। तो यहां पे देखो एक डिफरेंस हमको देखने को मिला, एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ये डिफरेंस है डब्ल्यूपीआई सीपीआई एंड उसमें भी एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, एक वर्ड वहां पे मिसिंग है, क्या कौन सा वर्ड मिसिंग है, सर्विसेज, सर्विसेज मिसिंग है, तो इसीलिए भी सीपीआई को हम लोग जो है यहाँ पे कंसिडर करते हैं, क्योंकि सर्विसेज में प्राइस इंक्रीज क्या हो रहा है, क्योंकि जो सर्विसेज जो प्रोवाइड किया जाता है, देखो सर्विस जो प्रोवाइड करेगा किसको करेगा, कंज्यूमर को ही तो करेगा, होलसेल लेवल पे कभी भी सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड नहीं किए जाते, सर्विसेज जब भी प्रोवाइड करेगा वो क्या है तुम्हारा कंज्यूमर लेवल पे करेगा, तो यहाँ पे ओवरऑल हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, एंड इन्फ्लेशन का डेफिनेशन में ही है कि क्या है कि चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज में जो प्राइस चेंज है उसको जो है इन्फ्लेशन कहा जाता है, ठीक है, जो राइज होता है प्राइस में, ठीक है, उसे हम लोग जो है इन्फ्लेशन कहते हैं, तो सीपीआई को इसलिए भी कंसीडर किया जाता है, एक तो ये कंज्यूमर ऊपर से क्या है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को ही यहाँ पे जो है इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अच्छा डब्ल्यूपीआई को कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन फिस्कल ईयर, इसको जो है बेस्ड ऑन कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर कैलकुलेट किया जाता है, कैलेंडर ईयर यानी कि जनवरी टू दिसंबर, फिस्कल ईयर यानी कि अप्रैल टू मार्च, ऊपर से डब्ल्यूपीआई कौन रिलीज करता है, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर,
ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर रिलीज करता है एंड वो एनएसओ रिलीज करता है, ठीक है, सीपीआई जो है एनएसओ रिलीज करता है, ये एनएसओ एंड ये जो है ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, डब्ल्यूपीए सॉरी सीपीओ इंपॉर्टेंट है, सीपीओ एंड आरबीआई जो है यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन के ऊपर ही ध्यान दिया है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या कहा है कि फिस्कल ईयर 24 यानी कि ये वाला जो ईयर चल रहा है इसमें कितना है 5.4% जो है इन्फ्लेशन ये प्रोजेक्ट किया है। नेक्स्ट ईयर यानी कि फिस्कल ईयर 25 ये प्रोजेक्ट किया है, ये हो जाएगा 4.5% बाय मिड फिस्कल ईयर, बाय मिड फिस्कल ईयर जो है ये 4.5% हमें देखने को मिलेगा। ऊपर से जो है क्वार्टर प्रोजेक्शन भी हुआ है, क्वार्टर यानी कि फाइनेंशियल 25 में हर एक क्वार्टर का प्रोजेक्शन भी यहाँ पे दिया है। क्वार्टर वन में कितने प्रोजेक्शन है 5% का, 5% का। क्वार्टर टू में प्रोजेक्शन है 4% का एंड उसके बाद 4.6, क्वार्टर थ्री में 4.6% एंड क्वार्टर फोर में 4.7%। ये जो है आरबीआई की तरफ से प्रोजेक्शंस है, ठीक है। पहला क्वार्टर यानी कि अप्रैल से लेके जून तक 5% इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। अच्छा अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पे लिख लो कि ये जो है 23-24 को डिनोट कर रहा है, ये जो है 24-25 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। फिस्कल ईयर 24 मतलब ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, अच्छा। इसके बाद फोरेक्स रिजर्व के बारे में ही बताया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, फोरेक्स रिजर्व कितना रहा है, फोरेक्स रिजर्व 622.5 बिलियन US डॉलर्स, ठीक है। इतना जो है फोरेक्स रिजर्व है इंडिया के पास, ठीक है। ये जो है कहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये फोरेक्स रिजर्व इंडिया के पास जो है उसके बाद आरबीआई ने ये भी कहा है कि हम लोग का जो फॉरेन जो ऑब्लिगेशन है उसको भी हम लोग यहाँ पे जो है कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे मान लो फॉरेन ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, मान लो किसी कंट्री को अगर हम लोगों को लोन देना है, फिर मान लो किसी कंट्री के साथ अगर ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है, तो उसके लिए जो है हमारे पास एडिक्वेट जो है हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, हो गया ये। उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व stands at 622.5 बिलियन US डॉलर, ठीक है। एंड इससे क्या है हम लोग अपना फॉरेन ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर पाएंगे। आरबीआई ने कहा है कि आरबीआई हैज ऑल्सो एक्सप्रेस that we can complete our foreign obligation foreign obligations, उसके नीचे लिख सकते हो foreign obligation के नीचे क्या क्या है, loans, aids, grants, trade agreement, ये सब जो है foreign obligations के अंदर में आए।
ये क्या चल रही है, रिकॉर्ड हो रहा है क्या? मेरे को पता ही नहीं था। हर एक लेक्चर ये होता है, रिकॉर्ड होते हैं, लाइव चल। मैं अभी देखा ये मोबाइल ऑन है। ठीक है, उसके साथ साथ सीबीडीसी के ऊपर भी बातचीत यहाँ पे किया गया है। सीबीडीसी के ऊपर क्या बात किया गया है, सीबीडीसी के ऊपर क्या बोला गया है? सबसे पहले तो ये बताओ सीबीडीसी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया सीबीडीसी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया एंड इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था? मैंने बहुत बार बोला है सीबीडीसी को कब इंट्रोड्यूस किया गया है, बहुत बार बोला है मैंने, दो बार इसे जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, एक होलसेल लेवल पे एक रिटेल लेवल पे। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1 नवंबर 2022 को होलसेल लेवल पे, 1 दिसंबर 2022 को रिटेल लेवल पे। ठीक है, सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? एक तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था क्रिप्टो के अगेंस्ट में, क्रिप्टो के अगेंस्ट में इसे जो है लाया गया था, क्योंकि क्रिप्टो जो है लीगल टेंडर नहीं है, ये जो है लीगल टेंडर है, ऊपर से ये जो है फियाट करेंसी है। फियाट करेंसी का मतलब क्या है, जिसे जो है उस कंट्री का जो गवर्नमेंट है उसे रिकॉग्नाइज करता है एज अ लीगल टेंडर, उसे जो है फियाट करेंसी कहा जाता है। ऊपर से हमारे कंट्री का जो एम है कैशलेस इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ना, उसके लिए भी ये हेल्प करेगा सीबीडीसी। ठीक है, इसका जो मोड ऑफ पेमेंट है बहुत ईजी है, उसमें हम लोगों को सिर्फ नोट्स सिलेक्ट करना पड़ता है ऐप के थ्रू। मैंने बोला भी था इसका SBI का अकाउंट है वो जो है ई रूपी बाई SBI, वो ऐप डाउनलोड करके देख ले। ठीक है, तो होलसेल लेवल पे रिटेल लेवल पे लॉन्च हुआ था 1 नवंबर 2022, ये जो है 1 दिसंबर 2022। ठीक है, अब यहाँ पे इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या बातचीत किया गया सीबीडीसी को लेके, ये बातचीत किया गया है कि RBI सीबीडीसी को इंट्रोड्यूस करना चाहता है और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कहाँ पे, रूरल एरियाज, हाँ पुअर कनेक्टिविटी एरियाज एंड फॉर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन इसे जो है इंट्रोड्यूस करना चाहता है कहाँ पे, इन रूरल एरियाज गांव में। ठीक है, क्योंकि ये भी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये भी तो साथ देगा सीबीडीसी, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ज्यादा जरूरत कहाँ है, रूरल एरियाज में, गांव में। ठीक है, तो अच्छा ये जो है ये पुअर कनेक्टिविटी या फिर जो यहाँ पे ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कैसे काम आएगा, क्योंकि ये वॉलेट बेसिस पे चलता है। ठीक है, जैसे UPI लाइट है, UPI लाइट देखना, वॉलेट में तुमको पैसा डालना पड़ता है। ठीक है, तो उसी लिए, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो है सीबीडीसी, तो सीबीडीसी विल बी यूज एट अ रिटेल लेवल, एट अ रिटेल लेवल इन पुअर कनेक्शन एरियाज एंड फॉर ट्रांजैक्शन एंड फॉर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन इन रूरल एरियाज। ठीक है, इन रूरल एरियाज, एक और डेटा दे दिया है RBI ने कि रूरल एरिया में, रूरल एरिया में ऑलरेडी दिसंबर 2023 में 10 लाख ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हुआ है सीबीडीसी में। ठीक है,
तो ये जो है आरबीआई की तरफ से डेटा है कि ऑलरेडी 10 lakh transactions have been made at retail level in December 2023। ठीक है, ये भी डेटा इंपॉर्टेंट बन जाता है, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है 10 लाख, इसीलिए आरबीआई जो है इसको एनकरेज कर रहा है। हाँ, सिर्फ दिसंबर का ही डेटा हमारे सामने प्रेजेंट किया है, दूसरा डेटा पता नहीं है तो मैं लिख नहीं सकता यहाँ। ठीक है, दिसंबर का ही डेटा प्रेजेंट करेगा, क्योंकि जनवरी का डेटा कब आएगा, फरवरी में आएगा, उसके पहले मॉनेटरी पॉलिसी हो गया है। ठीक है, तो जो लेटेस्ट डेटा है दिसंबर का। अब एक और इंपॉर्टेंट यहां पे स्टांस लिया गया है आरबीआई की तरफ से, कौन सा बोलो, कितना, ये सब तो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एक और स्टांस लास्ट में वो शक्तिकांत दास ने बताया है, क्या लोन के अगेंस्ट में कुछ बोला है, लोन के अगेंस्ट में बोला है, कोई नहीं पढ़े होते हैं मल्टी पॉलिसी कमेटी ने, ये इंपॉर्टेंट है, ये लोन के अगेंस्ट में कुछ तो बोला है, की फैक्ट स्टेटमेंट, एक टर्म है की फैक्ट स्टेटमेंट, हर एक लेंडर को जो है, जो बोरोवर है उसको देना पड़ेगा की फैक्ट स्टेटमेंट। की फैक्ट स्टेटमेंट क्या है कि कभी कभी ये होता है कि अगर हम लोग लोन ले रहे हैं, ठीक है, बैंक से या फिर कोई एनबीएफसी से, उसमें कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई इंटरेस्ट है, फिर मान लो उसमें कुछ हिडन चार्जेस है, वो हम लोग को पता नहीं है, कुछ मान लो टर्म्स एंड कंडीशन है हम लोग को पता नहीं है, तो बैंक या फिर कोई भी एनबीएफसी जो मान लो लोन दे रहा है उसको सबसे पहले जो है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा बोरोवर को, कि कोई भी हिडन चार्जेस है कि नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, सबसे पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा, देन ही उसको लोन देना पड़ेगा। अब इसके वजह से जो है देखना, अभी बैंक्स भी जो है वो अभी लोन देना नहीं चाहेगा ज्यादा, ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या है, लोन देने को डिस्करेज कर रहा है। एक बार आरबीआई ने ऑलरेडी किया था, किसमें, जो ऑलरेडी कैपिटल जो एडिक्वेसी रेशियो है उसको बढ़ा के किया था अक्टूबर महीने में, ठीक है, आप लोगों ने बेजल लॉन्ग के क्लास में देखा था, वो करंट वाला जो न्यूज था, बैंक के लिए 125% कर दिया है, एनबीएफसी के लिए 150% कर दिया है, वो एक स्टांस था कि हमारे कंट्री में क्रेडिट लोग ज्यादा ना ले, क्योंकि लोन जितना ज्यादा लेगा उतना ही क्या है एनपीए होने के चांसेस ज्यादा है, तो लोन लेने का यहाँ पे जो टेंडेंसी है उसको कम करने के लिए यहाँ पे जो है एक नया नियम लाया है कि जो लेंडर्स हैं उसको जो है हर एक यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको जो है सामने पेश करना पड़ेगा, ताकि लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। RBI has instructed all the lenders. RBI has instructed all the lenders to provide key fact statement. ये जो है इसका नाम है, ठीक है, की फैक्ट स्टेटमेंट, ब्रैकेट में इतना KFS, इन विच लेंडर्स विल हैव टू डिस्क्लोज हिडन चार्जेस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस। इट इज अवेलेबल फॉर, किसके लिए अवेलेबल है, बोथ रिटेल बोरोवर एज वेल एज एमएसएमई लोन्स के लिए, इट इज अवेलेबल फॉर रिटेल बोरोवर्स
एंड एमएसएमई लोन्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो। एफ है, एफ अब बोल रहे हैं। कौन सा स्टेटमेंट दिया? In which lenders will have to disclose hidden charges? ये वाला ना? अच्छा, it is available. It is available for retail borrowers and MSME loans. अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लास्ट पॉइंट बाकी है। क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट का भी यहाँ पे जो है यहाँ पे फैक्ट प्रोवाइड किया है करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर क्वार्टर टू ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 ये बोला है कि वो रहा है 1% ऑफ GDP। करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है 1% ऑफ GDP, ठीक है। CAD फॉर क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 24 कितना रहा है? 1% ऑफ GDP। इसको कंपेयर भी किया है लास्ट फिस्कल ईयर से कि CAD फॉर क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 23 वो कितना था? 3.8% ऑफ GDP, यानी कि हम लोगों का इकोनॉमी जो है प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। CAD का फुल फॉर्म है करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब क्या? कमी। किस चीज की कमी? करंट अकाउंट, ठीक है, वो तो नाम से पता चलता है करंट अकाउंट, बट किस चीज में कमी है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कमी है, ठीक है। व्हेन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इज ग्रेटर देन द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, तो देन हमें देखने को मिलता है करंट अकाउंट डेफिसिट देखने को मिलता है, ठीक है। तो CAD इज इक्वल्स हम लोग बोल सकते हैं टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स, इसमें जो है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही इंक्लूडेड है। व्हेन द टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इज ग्रेटर देन टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, इसमें भी गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट धीरे धीरे कम हो रहा है, ये अच्छी बात है। कम कैसे होगा? जब हम लोग कंट्री एक्सपोर्ट जा रहा है, ठीक, तो धीरे धीरे हम लोग एक्सपोर्ट हम लोग का बढ़ रहा है, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है ताकि हम लोग का एक्सपोर्ट भी बढ़े। अच्छा, अभी आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है?
बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू हम लोगों को कब देखने को मिला था? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू हम लोगों को कब देखने को मिला था? ये इशू पढ़ाया था G20 में, पढ़ाया था मैंने, कब देखने को मिला था? 1991 में देखने को मिला था, जब वो एलपीजी रिफॉर्म हुआ था उस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू देखने को मिला था। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहा जाता है? हम लोग बोल सकते हैं कि एक स्टेटमेंट है जिससे हम लोग को ये पता लगता है कि हमारा कंट्री का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कितना हुआ है एट अ ग्लोबल लेवल। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ध्यान में रखना, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बड़े स्केल पे, ऑन अ ग्लोबलाइज स्केल पे, हमारे कंट्री का कितना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हुआ है, ठीक है, एट अ ग्लोबलाइज लेवल एंड फॉर अ फिक्स्ड पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यूजुअली एक साल का। एक साल में हमारे कंट्री ने कितना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किया, उसका एक स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट टर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट जो है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट किसके लिए निकाला है? क्वार्टर के लिए, तो ये हर मंथ भी निकलता है, ठीक है, बट वो जो है एक साल का। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट दैट टेल्स अबाउट द टोटल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, टोटल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन of a country, of a country at a global level, at a global level for a fixed time period, bracket mein likha na, usually 1 year, usually 1 year। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का बेनिफिट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में अगर बात करें तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट क्या है? थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ ना, इसका बेनिफिट क्या है? हाँ, तो हम लोग का कंट्री का जो हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका अंदाजा लगाने में मदद करेगा ये। हाँ, कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है, ये तो हुआ, ये तो समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है? हमारा करेंसी कितना परफॉर्म किया, करेंसी कितना स्टेबल रहा, ठीक है, बाहर यूएस डॉलर के मुकाबले। अब मान लो हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट अगर मान लो कम है, मान लो हमारी इकोनॉमी में कोई फ्लॉ दिख रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग अपना फिस्कल पॉलिसी एंड ट्रेड पॉलिसी को भी चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के एडवांटेजेस के बारे में अगर बात करें तो इट हेल्प्स, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ नेशन, ठीक है, दूसरा इट विल हेल्प टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ अ करेंसी, द परफॉर्मेंस ऑफ अ करेंसी,
कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है करेंसी का परफॉर्मेंस वो जो है हम लोग यहां से बता सकते हैं करेंसी का परफॉर्मेंस, ठीक है। अब करेंसी का परफॉर्मेंस यानी वो डिप्रिशिएट कर रहा है कि अप्रिशिएट कर रहा है, वो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। दो कंडीशन हो सकता है, अप्रिशिएटिंग एंड डिप्रिशिएट। हाँ, डॉलर 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 डॉलर, अभी तक जो है हम लोग डॉलर को ही मान रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड अभी तक चेंज नहीं हुआ, बात चल रहा है चेंज होने के लिए बट अभी तक हुआ नहीं। हर एक जो नेशन है वो जो है चाहता है, जैसे मान लो ब्रिक्स, ब्रिक्स चाहता है कि उसका अपना एक ये हो, वो तो अपना करेंसी हो, क्योंकि यूएस क्या है ना, यूएस जो देश है वो जो है मौके का बहुत फायदा उठाता है। अब जैसे जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तुरंत रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा था, ठीक है। अब उसमें दोष किसका था वो हम लोगों को नहीं पता, ठीक है, हो सकता है कि यूक्रेन का भी दोष हो, ठीक है, बट उसके ऊपर सैंक्शन तो लगा दिया। मान लो कभी ना कभी, मान लो इंडिया के साथ भी अगर ऐसा कुछ हो गया, अगर इंडियन रूपी के ऊपर मान लो अगर सैंक्शन लगा दिया, ठीक है, तो हम लोग का जो जो हम लोग का जो रिजर्व है वो क्या, वो रुक जाएंगे। तो इसीलिए ये जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उसके बाद से ही हर एक कंट्री ये चाहता है कि हम लोग यूएस डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो हम लोग कम कर रहे हैं, इसलिए वहां से निकलना चाह रहे हैं, बट अभी तक निकला नहीं। लास्टली क्या है, इट विल हेल्प टू फ्रेम द फिस्कल पॉलिसी, द फिस्कल पॉलिसी एंड ट्रेड पॉलिसी। इससे जो है सरकार अपना फिस्कल पॉलिसी एंड ट्रेड पॉलिसी को यहाँ पर ट्रेड कर सकता है। बट ये ओवरऑल कंट्री का रेस्पेक्ट में है, पूरा कंट्री कैसे परफॉर्म कर रहा है। तुम बोल रहे हो एक छोटा सा, तुम बोल रहे हो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, हाँ ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे है, एक कंट्री ग्लोबलाइज लेवल पे कैसे परफॉर्म कर रहा है उसका रिपोर्ट है। हाँ वो तुम जो बोल रहे हो वो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल, ठीक है, छोटे स्तर पे, वो जो है ग्लोबलाइज लेवल पे किया जाए। अच्छा, इन्फ्लेशन में जैसे कुछ टर्म्स हैं, जैसे हम लोगों का यहाँ पे हम लोग पूरा बोल सकते हैं ये पूरा मॉनेटरी पॉलिसी देखकर कि यहाँ पे सॉरी आरबीआई का जो स्टांस है वो क्या है, डिस इन्फ्लेशनरी अप्रोच। ये टर्म का मतलब क्या है, व्हाट इज डिस इन्फ्लेशन, बताओ। बहुत सारे टर्म्स आते हैं, स्टेजेस ऑफ इंटरेस्ट स्टेजेस ऑफ तुम्हारा जो है प्राइस रेट जो चेंज होता है उसमें एक आता है डिस इन्फ्लेशन, एक आता है डिफ्लेशन, एक आता है रिफ्लेशन, एक आता है स्टैगफ्लेशन। तो इसका मतलब क्या है बताओ, रेट का मतलब इन्फ्लेशन रेट यानी कि कितने परसेंटेज से चेंज हो रहा है। तो वो जो कितने परसेंटेज से चेंज हो रहा है वो पूरा उस प्रोसेस में जो है ये सब स्टेजेस हैं, ठीक है, ये सब स्टेजेस हैं। तो क्या है डिसइन्फ्लेशन, क्या है डिफ्लेशन, क्या है, व्हाट इज डिसइन्फ्लेशन, क्लास में तुम लोग पढ़ते नहीं हो तुम लोगों को, हाँ व्हाट इज, हाँ क्या है डिसइन्फ्लेशन, मेरे को चार आंसर चाहिए, एक डिफ्लेशन बिना ये गूगल सर्च किए, डिस इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन क्या होता है, क्योंकि ये टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, हाँ जब रेट्स कम हो जाते हैं, जब डिमांड कम हो जाता है, वेरी गुड। रिसेशन, इन्फ्लेशन भी रहता है बट मार्केट में डिमांड भी नहीं रहता, हाँ ठीक है। रिफ्लेशन,
यानी कि मार्केट में जो मंदी चल रहा है वहां से इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ने का जो स्टांस है, ठीक है, यानी कि मंदी से फिर से हम लोग इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ेंगे, डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेशन। ठीक है, उसको हम लोग एक डायरेक्टली एक डायग्राम से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ये क्या है, ये कौन सा एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या होगा, ये तो रेट रेट ऑफ द प्राइस चेंज, एक्स एक्सिस में टाइम। ठीक है, ध्यान से समझना, ये होगा रेट ऑफ द प्राइस चेंज, किस हद तक जो है प्राइस चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या नीचे जा रहा है, माइनस में है नीचे, ऊपर है प्लस में है, ये क्या है टाइम पीरियड, स्टार्ट हो रहा है फिस्कल ईयर से। ठीक है, मान लेते हैं ये मान लो ग्राफ हमने बनाया है, ठीक, ये वाला क्या है, देखो नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है, यानी कि डिमांड नहीं है, रेट क्या है कम हो रहा है। ठीक है, जो प्राइस रेट है वो कम हो रहा है, इस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्लेशन, कम हो गया अब वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेशन। ये क्या है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव में है, बढ़ रहा है, ये क्या है, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन पीक तक पहुंच गया, अब आरबीआई को ऐसा लगा कि इसको कम करना है, उसने रेपो रेट वालो चेंज किया, तो धीरे धीरे कम हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिस इन्फ्लेशन। तो याद रखना, डिस इन्फ्लेशन कभी माइनस में नहीं जाएगा, वो प्लस में ही रहेगा, जैसे अभी क्या है, डिस इन्फ्लेशनरी अप्रोच है, पॉजिटिव में ही मतलब उसे जो रखना है 4% में ही रखना है, बट क्या उसको कम करना है जो है, समझ में आया। तो ये जो है डिफ्लेशन, यहां से फिर से जब बैक कर रहा है पॉजिटिव की तरफ, रिफ्लेशन, ये इन्फ्लेशन, एंड जब हाईएस्ट पीक पे मान लो पहुंच गया, फिर नीचे आ रहा है, उसे जो है हम लोग डिस इन्फ्लेशन कहते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर, तो बना देते। ये डायग्राम बना लो, तुमको ये डाउट नहीं होगा, फिर जिंदगी भर और डाउट नहीं। अरे ये एक वेब फॉर्म हुआ, इस वेब को क्या कहा जाता है,
ये वेव फॉर्म कौन है यार? साइन वेव, साइन वेव. तो हमेशा साइन कर्व का जो ऊपर वाला हिस्सा यानी कि जिसे क्रेस्ट कहते हैं उसमें क्या रहेगा? इन्फ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन रहेगा. जो ट्रफ है यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें रहेगा डिफ्लेशन एंड रिफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन को सबसे पहले तो स्टैगफ्लेशन के लिए चाहिए फिलिप्स कर्व, उससे आप समझ सकते हैं स्टैगफ्लेशन, क्योंकि फिलिप्स कर्व का जो कमी है वहीं से स्टैगफ्लेशन का शुरुआत है. फिलिप्स कर्व जहां पे रुक जाता है वहीं से स्टैगफ्लेशन का शुरुआत है. फिलिप्स कर्व किसके बीच में? वो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट उसके बीच, हाँ उसके बीच में, ठीक है. तो बस वो स्टैगफ्लेशन जो है वो स्टैगफ्लेशन को तुम कभी फिलिप्स कर्व से करोगे तो फुलफिल नहीं कर सकते. तो कैसे हुआ डिस्कस करते हैं, पहले ये बना लो. क्लियर है ना ये? अच्छा एक और टर्म है स्क्यूफ्लेशन, उसका मतलब क्या? स्क्यूफ्लेशन एक और नाम, बहुत सारा फ्लेशन है. नहीं, स्क्यूफ्लेशन में क्या होता है? ओवरऑल इकोनॉमिक जो है स्टेबिलिटी मेंटेन है, बट कुछ कमोडिटीज के मान लो प्राइस बढ़ गए. जैसे मान लो फूड बास्केट में मान लो प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है, बट मान लो ओवरऑल इकोनॉमिक जो है स्टेबिलिटी है, देन उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? स्क्यूफ्लेशन हम लोग कहेंगे, ठीक है. जैसे बहुत सारे फ्लेशन है ये पूछता है, ठीक है, इंटरव्यू में, तो ये इंटरव्यूअर के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बस हर एक को जानना चाहिए. बोलो क्या कोई कोई डाउट है? सब समझ में आ रहा है क्वेश्चन पूछता है? ठीक है, हो गया, आगे बढ़े. स्टैगफ्लेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा? एक तो इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, प्राइस राइज हो रहा है, बट उसके साथ जो जीडीपी है वो कम हो रहा है. जीडीपी कम हो रहा है यानी कि एक जो है ओवरऑल जो है तुम्हारा यहाँ पे डिमांड भी जो है यहाँ पे कम हो रहा है, बट प्राइस राइज हो रहा है. अजीब एक जो है यहाँ पे स्थिति है, प्राइस राइज हो रहा है बट डिमांड कम है, जीडीपी भी कम है, एंड एक और चीज यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ रहा है. अजीब स्थिति है ये, ठीक है. अब फिलिप्स कर्व में क्या बोला गया है? अगर फिलिप्स कर्व के बारे में अगर बात करें तो ये जो है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट में, सॉरी उस मतलब उसको लेकर ये इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. यहाँ पे मान लो इन्फ्लेशन अगर हम लोग लेने, यहाँ पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट लेने, एक दो ठीक
ये दो कंडीशन है कि ए ए बी दो कंडीशन है। ये कर्व को कहा जाता है फिलिप्स कर्व, ठीक है, फिलिप्स कर्व। एक चीज नोटिस करो इसमें, इन्फ्लेशन जब बढ़ा हुआ है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है यानी कि लोगों के हाथ में नौकरी है, इन्फ्लेशन जब कम है क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, यानी कि फिलिप्स कर्व के थ्रू हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन जरूरी है, यानी कि लोगों के हाथ में पैसा आएगा, ठीक है, तो यानी कि लोगों के हाथ में पैसा कब आएगा, जब वो नौकरी करेगा, एंड जैसे वो नौकरी में जाएगा मान लो उसके हाथ में पैसा आया तो खर्चा भी करेगा, डिमांड बढ़ेगा, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सब इंटर रिलेटेड है, ये जो है तुम्हारा फिलिप्स कर्व कहता है। बट यहां पे देखो क्या दिख रहा है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, यहाँ पे जो है फिलिप्स कर्व काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे फिलिप्स कर्व देखो यहाँ पे रुक गया, क्योंकि इसका यहाँ पे क्या कहना है कि इन्फ्लेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट, यही तो है फिलिप्स कर्व, बट यहाँ पे क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टैगफ्लेशन को समझने के लिए, जैसे G20 में मैंने बोला था वो योन किप्पुर वार, मैंने बोला था योन किप्पुर वार 1967 के टाइम पे जब वो इसराइल के ऊपर अटैक किया इजिप्ट एंड सीरिया, ठीक है, अटैक किया इजिप्ट एंड सीरिया, हार गया उस समय, फिर से 73 में फिर से अटैक किया उसने, एंड उस दिन जो है वो योन किप्पुर फेस्टिवल चल रहा था, ठीक है, वो ज्यूइश लोगों का बहुत फेमस फेस्टिवल होता है, उसी दिन अटैक किया था, उस समय यूएसए ने भी साथ दिया था, यूएसए एंड जो नाटो अलायंस है उसने साथ दिया था इसराइल। अब इस चक्कर में क्या हुआ, अब हराया किसको, इजिप्ट एंड सीरिया मुसलमान देश है, एंड उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन था नाम था ओएपीईसी, ओएपीईसी ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एंड उस समय था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि अरब नेशंस थे उस समय। अब उन्होंने क्या किया, पेट्रोल प्रोवाइड करना बंद कर दिया, ठीक है, गुस्से में आके कि मेरे भाई को क्यों मारा, गुस्से में आके पेट्रोल देना बंद कर दिया, सॉरी वो जो क्रूड ऑयल, नॉट पेट्रोल, क्रूड ऑयल देना बंद कर दिया। अब क्रूड ऑयल देना बंद कर दिया तो अल्टीमेटली क्या हो गया, वो जो भी वेस्टर्न नेशंस हैं उसमें क्या देखने को मिलेगा, एक तो प्राइस राइज देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली फूड इन्फ्लेशन देखने को मिला, एंड ऊपर से क्या है, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं रहा है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, तो जीडीपी भी जो है वहां पे गिर रहा है, जीडीपी भी गिर रहा है, डिमांड गिर रहा है, डिमांड गिर रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, समझ में आया। ये जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है वो 1973 वाला जो एग्जाम्पल है, दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस ये स्टैगफ्लेशन, ठीक है, तो बोल सकते हो कि 1973 में वेल ओएपीईसी डिक्लेयर्ड दैट दे विल नॉट प्रोवाइड देन दो इंस्टांसेस हमें देखने को मिले, इससे दो इंस्टांसेस देखने को मिले, एक दो इंस्टांसेस देखने को मिले, एक दिन है राइज इन फूड प्राइसेस ड्यू टू इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अच्छा, यहां से एक और सवाल आता है, इस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को क्या कहा जाता है जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए मान लो फूड प्राइस इंक्रीज हो गए, इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है,
क्या कहा जाता है इसको, राइज इन फूड प्राइसेस ड्यू टू इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कौन सा इन्फ्लेशन बोलो, कॉस्ट पुश, वेरी गुड, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। अच्छा उसके साथ एक और देखने को होगा कि जीडीपी डिक्रीज हो गया, जीडीपी डिक्रीज हो गया इसका मतलब क्या है, डिमांड भी कम हो गया, ठीक है, एंड डिमांड कम हो गया तो अल्टीमेटली क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, यानी कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। तो ये दो इंस्टांसेस देखने को मिले उस समय, ठीक है, हुआ था वही ओएपीईसी के वजह से, ओएपीईसी के वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिला, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे ये लिख लो कि ईएन मैक्लॉयड जो है इस टर्म को लाया था, ठीक है, इस कैलकुलेशन वाज कॉइंड बाय, वो लिख लेना, कैलकुलेशन वाज कॉइंड बाय ईएन मैक्लॉयड ऑफ 1965 में जो है इसे नामकरण किया था इसका, ये नहीं, ये स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन मैं लिख ही देता हूं, स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन वाज कॉइंड बाय, ठीक है, अच्छा एक और कोरोना का एग्जांपल भी ले सकते हो, कोरोना के टाइम पे भी सेम कंडीशन हुआ था, देखना कोरोना के टाइम पे आरबीआई रेपो रेट पे रेपो रेट बढ़ा रहा था, कोरोना से पहले था 4.5 के आसपास था, ठीक है, वो रेपो रेट वो बढ़ के अभी ये 6.5 के आसपास हो गया, क्योंकि उसने बढ़ाया था, इन्फ्लेशन जो है क्या हुआ था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, जीडीपी प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, सब कुछ बंद था, जीडीपी नहीं हो रहा था तो अल्टीमेटली डिमांड भी कम था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था वो तो दिख रहा था ऑलरेडी, तो कोरोना का कंडीशन भी जो है वो स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन वाज कॉइंड बाय पॉइंट, मतलब उसका नामकरण किसने किया है। स्लाइड नीचे सर, हाँ तो इसमें नीचे वो कोरोना का कंडीशन भी देख सकते हो, सेम कंडीशन है, कोरोना में भी यही हुआ था, स्टैगफ्लेशन हमें देखने को मिला था, तो इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। अब इसमें गवर्नमेंट ना तो यहाँ पे मार्केट में जो है लिक्विडिटी जो है इंजेक्ट कर सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी इंजेक्ट करने गए तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, ठीक है, एंड तुम वहां पे जो है एब्जॉर्प्शन से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि लिक्विडिटी एब्जॉर्ब अगर मान लो तुमने वहां पे कर दिया तो लोगों के हाथ में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के हाथ में ऑलरेडी पैसा नहीं है, ठीक है, बट चीजें जो है वो महंगा हो गया है तो वो खरीदेगा क्या, खाएगा क्या, तो तुम उसको भी कम नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसमें क्या है, जो पॉलिसी रेट्स हैं, जो गवर्नमेंट का जो स्टांस है उसमें ही चेंज करना पड़ता है। ये स्टैगफ्लेशन का जो सिचुएशन है ये लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलता है, जैसे कोरोना का वहां पे जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो एक दो साल तक उसका जो है हम लोगों को उसका इफेक्ट देखने को मिला, उससे निकलना इतना आसान नहीं होता, जैसे तुम वो डिफ्लेशन ये सब से तुम निकल सकते हो, बट स्टैगफ्लेशन से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा लास्ट जो हम लोग का टर्म था वो क्या था, स्टैगफ्लेशन था, ये हो गया स्टैगफ्लेशन था हम लोगों का, स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन था यहाँ पे क्या है, व्हेन द इकोनॉमी इज स्टेबल, इकोनॉमी इज स्टेबल बट सर्टेन, बट वॉट वी सी, बट वी सी राइज इन प्राइसेस ऑफ सर्टेन
कॉमोडिटीज, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जुलाई में जो प्राइस प्राइस हमें देखने को मिला था जुलाई महीने में, तो वो भी एक एग्जांपल किसी का। ओवरऑल सेक्टर में प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, किसमें इंक्रीज हुआ था, फूड सेक्टर में हो गया था, ठीक है, तो वो भी एक तरीके का स्क्यूफ्लेशन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। Prices of certain commodities. Certain. चल, अब जाके खत्म हुआ पूरा मंत्री कॉलेज हम लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है, अब जाके पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, और जितना क्वेश्चन आए हो सकता है हम लोगों ने कवर अप किया, ठीक है। अब आ जाते हैं क्या ज्यादा थे? नहीं, एक और नहीं होगा, एक है छोटा। अरे कर लेते हैं ना, फिर एक हफ्ते बाद मान लो अगर मेरा इंटरव्यू हो गया तो मान लो अगर इंटरव्यू लेना पड़ा तो वो भी नहीं होगा, देख लेते हैं, आज मौका मिला है तो क्लास में आ गए क्या तुम्हारा, पहले क्लियर करो, प्रैक्टिस करना तो नहीं चाहिए। अच्छा ठीक, दो अपना इंट्रोडक्शन क्या बोलते हैं वीकनेस के आत्म वो मालूम है तुमको रिश्वत दिया वो उसके ऊपर है ना, तुम लोगे जरूर लो, तुम्हारे बारे में पेपर में जरूर पढ़ूंगा। दीपक तिवारी मैं उस समय नहीं रहा, चलो यही लास्ट कर लेते हैं, ओईसीडी को लेके, ओईसीडी ने अपना जो है इकोनॉमिक आउटलुक निकाला है, ओईसीडी रिलीज इट्स इकोनॉमिक आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, इसने रिलीज किया, ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या है, एंड डेवलप, वेरी गुड, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलप एंड डेवलप 1961 बनाया गया था। इसका मेन एम क्या था कि पूरा वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है, यही जो है इसका मेन एम था। टू मेंटेन
इकोनॉमिक प्रोग्रेस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब इसमें जो है एक रिपोर्ट निकाला, रिपोर्ट का नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है, रिपोर्ट नेम। रिपोर्ट का नाम है स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशंस, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशंस, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशंस फॉर ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशंस फॉर ग्रोथ, ये जो है उसका रिपोर्ट का नाम है। इसके थ्रू क्या कहा है, इसके थ्रू ओईसीडी ने ये कहा है कि नेक्स्ट जो फिस्कल ईयर यानी कि फिस्कल ईयर 25 फिस्कल ईयर 25 में हमारे कंट्री का जीडीपी प्रोजेक्शन होगा 6.2%, ठीक है, एंड फिस्कल ईयर 26 में होगा 6.5%, ठीक है। ये प्रोजेक्शन एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो फिस्कल ईयर 25 का जीडीपी प्रोजेक्शन 6.2%, फिस्कल ईयर 26 का जीडीपी प्रोजेक्शन 6.5%। इसने इन्फ्लेशन को भी प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, इन्फ्लेशन फिस्कल ईयर 25 का इन्फ्लेशन कितना किया, 4.9% इंडिया का है, ये इंडिया का है। फिस्कल ईयर 26 का हाँ बोल क्या बोल रहे थे, नहीं ये इंडिया का है, इसके बाद वो वर्ल्ड के ऊपर टिप्पणी किया है, ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया के ऊपर बोला है, क्या है 4.3%, ठीक है। ये जो वैल्यूज है इसको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। अब ये जो है इंडिया का प्रोजेक्शन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का प्रोजेक्शन ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा अभी रिसेंटली और कौन कौन से बॉडीज ने यहाँ पे अपना प्रोजेक्शंस निकाला, आईएमएफ ने निकाला, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने निकाला, कितना कितना है उन लोगों का पता, आईएमएफ का कितना है 6.5, एडीबी 6.7%, ठीक है। ये जो है जीडीपी प्रोजेक्शन, जीडीपी प्रोजेक्शन एडीबी का, देन एसएनपी का है 6.4, वर्ल्ड बैंक 6.4%, एंड लास्टली अच्छा हम लोग कर लिया ओईसीडी तो हो गया, ठीक बस। ये जो है ये बाकी अभी जो है ये जो है फिस्कल ईयर 25 का है, ठीक है, ये लिख लेना फिस्कल ईयर 25 का। अभी तक जो है 5 बॉडीज ने जो है प्रोजेक्शन किया है, 5 बॉडीज यहाँ पे, 4 एंड ओईसीडी। ठीक है, तो आज इतना ही तक रखते हैं, और भी था, ठीक है, और भी था न्यूज, ठीक है। आज समझ में आया जो भी पढ़ाया गया है, ली जा रहा है, अच्छा। इसका मैं क्यूआर, बट क्यूआर वो घर जाते ही नोट डाउन कर लेना, क्योंकि गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, एक दो दिन में गायब हो जाता है।